हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्रॉम टुडे आई एम टेकिंग योर साइंस एंड वी आर गोइंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो इन दिस चैप्टर ऑलरेडी यू हैव लर्न अबाउट सम डिफाइन फ्रॉम प्रिंसिपल सर, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम टेक्स्ट। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग, सो व्हाट इज मैटर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको होगा व्हाट इज मैटर, ये मैटर क्या है। सो मैटर मीन्स कई लोगों को ऐसा लगेगा मैटर हुई, मैटर झगड़ा, तो मैटर इज नॉट फाइटिंग। सो हम उसके बारे में सीखेंगे मैटर, व्हाट इज मैटर। सो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स साइज एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब कि ये ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं और जिससे बनी हुई हैं उसको मैटर कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ों के अंदर जो मटेरियल यूज होता है इट इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर को अगर हम कहें हिंदी में गुजराती में, सो द्रव्य, ऐसी चीज़ जिससे पूरी ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, कोई भी चीज़ जो बनी हुई है उसके मूल में क्या होता है? मैटर होता है, द्रव्य होता है। लाइक द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर और पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरी थिंग इज मैटर। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबाउट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। सो ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबाउट, जितनी भी चीज़ें के बारे में ऊपर बात की या जितनी भी चीज़ें हम हमारे आस पास देख सकते हैं, लाइक बेंचेस, लाइक फैन, आवर मोबाइल, लाइक ड्रम, लाइक विंडो, डोर, टाइल्स, जितनी भी चीज़ें हैं दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स वह एक जगह रोकते हैं एंड दे हैव मास, और उनके पास मास होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो मैटर किसको कहते हैं? व्हिच हैव मास एंड वॉल्यूम। तो जिसमें मास भी हो और वॉल्यूम भी हो दे आर कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या है तो आप लोग समझ गए होंगे, यह यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें हैं विच हैव मास एंड वॉल्यूम दे ऑल आर कॉल्ड मैटर, वो सबको हम कहेंगे मैटर। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। सिंस अर्ली टाइम्स, तो पहले के समय से ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अपने आसपास को समझने के प्रयत्न करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसॉफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। अर्ली इंडियन, प्राचीन समय के जो भारतीय लोग जो थे, फिलोसॉफर्स जो थे, दे क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा था। सो व्हिच 5 बेसिक एलिमेंट्स इन मैटर? सो द 5 तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। सो व्हिच 5 बेसिक एलिमेंट्स इन मैटर, मतलब मैटर किन 5 चीज़ों से बनी हुई हैं। सो आपको ये याद रखना है, 5 बेसिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड पंच तत्व एंड दिस पंच तत्व मीन्स 5 एलिमेंट्स आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ऐसा कहा जाता है फिलोसॉफर्स के द्वारा, या हमारे गीता में भी, भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी के जितने भी एलिमेंट्स जो है दे आर मेड फ्रॉम 5 थिंग्स एंड दीज 5 थिंग्स आर एयर और फायर स्काई एंड वाटर। मतलब हवा, पानी, आकाश, जमीन और अग्नि, ये 5 चीज़ों से हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू दैट फिलोसॉफर्स, तो वह जो फिलोसॉफर्स जो थे इंडियन, उनके हिसाब से ऑल लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड एंशियंट ग्रीक फिलोसॉफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एंशियंट ग्रीक लोग भी जो थे, तो ग्रीक लोग भी जो थे वह भी सेम टू सेम क्लासिफिकेशन पे आए थे कि कोई भी मैटर है वो 5 चीज़ों से बनी हुई हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दैर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज,
केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सबसिक्वेंट चैप्टर. तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट, तो आज के आधुनिक समय के जो साइंटिस्ट हैं, दे इवॉल्वड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को दो तरह से वर्गीकृत किया है. फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को वर्गीकृत क्लासिफिकेशन किया है. एंड सेकंड वन इज केमिकल नेचर. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न वी विल लर्न अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. तो यह चैप्टर में हम फिजिकल नेचर के बारे में समझेंगे. सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. सो फर्स्ट टॉपिक इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो आपको पता तो चल गया व्हाट इज मैटर. सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर, या तो इन इट्स मैटर, मतलब उसके अंदर मैटर समाया हुआ है. सो मैटर कैसे बना हुआ है? सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सो मैनी पार्टिकल्स, मतलब मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से बने हुए हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, एक यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, समझो उसको. फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. दो स्कूल मैटर के नेचर के बारे में समझ रही थी. वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. तो एक स्कूल क्या समझ रही थी कि मैटर्स अ लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े जैसी मैटर होगी. वेरियस द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड. तो एक स्कूल ने क्या कहा कि लकड़ी का टुकड़ा जैसे होता है ब्लॉक, उसके जैसे मैटर होगी एक ही टुकड़े के. जबकि दूसरी स्कूल ने कहा कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड. नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. तो चलो हम ये टॉपिक में मैटर के नेचर के बारे में समझेंगे. इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट. सो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस मतलब ब्लॉक के जैसे कंटिन्यूअस है, या पार्टिकुलेट मतलब कि सैंड के जैसे टुकड़े में बटा हुआ, मतलब सैंड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उसके जैसा होता है. या कंटिन्यूअस मतलब लकड़ी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ही पास पास में होते हैं, ऐसा होता है. सो हियर इज वन एक्टिविटी. तो एक्टिविटी में हमको क्या करना है, लिसन इट केयरफुली. यू कैन डू दिस, या यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी ऑल्सो एट योर होम, अपने घर पर भी आप एक्टिविटी कर सकते हो. टेक 100 ml बीकर, बीकर की जगह आप ग्लास का एक ग्लास भी ले सकते हो कांच का. सो टेक 100 ml बीकर, देन फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. तो सपोज एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमको 100 ml जितना वाटर लेना है, 100 ml हम वाटर लेंगे. फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, आधा बीकर भर देंगे और उसका लेवल हम चेक कर लेंगे. Then dissolve some salt, sugar with the help of a glass rod. उसके अंदर थोड़ी sugar या salt उसके अंदर dissolve कर देंगे, मतलब उसके अंदर sugar या salt पिघाल देंगे. और उसको glass rod मतलब कांच का जो टुकड़ा होता है, कांच का जो सरिया होता है, उससे हम हिलाएंगे, glass rod से उसे हिलाएंगे. Observe any change in water level. क्या water level में कोई change होगा? What do you think has happened to the salt? तो आपको घर पे करना है, समझो एक्टिविटी कैसे कर सकते हो. एक आपने कांच का ग्लास लिया, समझो कांच के ग्लास में आपने आधा पानी भर दिया. आधा पानी भरने के बाद आप वहाँ पे मार्क कर लेना, पानी आपका भरा हुआ है आधा. फिर उसके अंदर आप टू स्पून, थ्री स्पून, फोर स्पून, समझो चार चम्मच आपने उसके अंदर नमक डाला. नमक डालने के बाद उसको डिजोल्व करो, बराबर डिजोल्व करो. फिर इसकी जो हाइट है वो हाइट बढ़ेगी या एज इट इज रहेगी? तो ये आंसर आपको आज एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और ये आंसर आपको सोच के रखना है, या ये आंसर आप मुझे, आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे भी कह सकते हो कि क्या इसकी जो सतह जो थी, उसके जो लेयर की जो मेजरमेंट जो था वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. सपोज समझो कि 5 स्पून हमने नमक अंदर डाला, सॉल्ट अगर डाली हमने, तो क्या वाटर की लेवल, वाटर का लेवल बढ़ेगा कि वाटर का लेवल एज इट इज रहेगा? तो ये आपको आंसर ढूंढना है. सो वेयर डज इट डिसअपीयर. तो सॉल्ट तो अंदर डिसअपीयर हो जाएगी. सो वेयर डज इट डिसअपीयर एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज. क्या वाटर का लेवल चेंज होगा? सो यू मस्ट परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम. तो आपको ये घर पे एक्टिविटी करनी है. एक ग्लास लेना है, उसके अंदर हाफ ऑफ वाटर, उसको पानी भर देना है, फिर मार्क कर देना है. आपको जितना पानी भरा हुआ हाफ मार्किंग कर दो अपनी स्केच पेन या मार्कर से. फिर उसके अंदर सॉल्ट डालते जाओ, 1 स्पून, देन 2nd स्पून, देन 3rd स्पून.
चेक करो उसका लेवल चेंज हो रहा है कि बढ़ रहा है, पर साथ साथ में आपको उसको डाइल्यूट भी करना है, मीन्स डिजॉल्व भी करना है. यू मस्ट डिजॉल्व सॉल्ट इन हीट. ओके, देन गिव मी आंसर ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न टुमारो. थैंक यू.